आ रही है, यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री राज सैनी के दिल्ली के दौरे को लेकर यह बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श मंथन होगा। आपको बता दें कि गुरुग्राम में इससे पहले अहम बैठक हुई है बीजेपी के तमाम दिग्गज। जो दो दिन यह बैठक चली उसके बाद अब मुख्यमंत्री नायब सैनी का दिल्ली का यह दौरा, और खबर सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात वहां पर करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श मंथन भी किया जाएगा। तो देखिए, तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 4 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। और मुख्यमंत्री नायब सैनी के दिल्ली के दौरे को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी और यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर सकते हैं। यहाँ पर वो पहुंचेंगे दिल्ली में और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। इससे पहले गुरुग्राम में 2 दिन बड़ी बैठक बीजेपी की चली है, इसमें नाम फाइनल किए गए हैं और फिर उसके बाद ये सारे नाम फाइनल करके जो पैनल तैयार किया गया उस ये हाईकमान को भेजा गया है, वहां से शॉर्टलिस्ट होंगे और उसके बाद ही नाम डिक्लेयर होने हैं। तो समय बहुत कम बचा है, लेकिन उससे पहले ये जो बैक टू बैक मीटिंगें चल रही हैं और मुख्यमंत्री का ये दिल्ली का दौरा अहम माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, मुख्यमंत्री नायब सैनी के दिल्ली के दौरे को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात उनकी हो सकती है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और मुख्यमंत्री इस वक्त केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के आवास पर मौजूद है। मुलाकात चल रही है कल होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले। अंतिम कहीं ना कहीं आज जो फाइनलाइज है टिकट को लेकर जो सूची है वो आज जो है की जा रही है, ताकि जो सूची है वो जो है केंद्रीय आलाकमान के सामने रखी जा सके। इससे पहले भी हमने देखा था गुरुग्राम में 2 दिवसीय बाकी जगह जो हरियाणा चुनाव समिति की बैठक है बीजेपी की वो होती हुई नजर आई थी, फिर उसके बाद कल देर रात जो बीजेपी छोटी टोली की बैठक है वो होती हुई नजर आई, और उसके बाद अब अंतिम कहीं ना कहीं जो प्रारूप होता है फाइनलाइज करने के लिए वो जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल है उनके साथ में मुलाकात जो है इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण दिल्ली दौरा है, और इसके बाद भी हो सकता है कि केंद्रीय आलाकमान के जो नेता है या फिर कहेगी जो चुनाव प्रभारी है उनके साथ मुलाकात जो है नायब सैनी करते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री से उनकी मुलाकात, जिस तरह से आप बता रहे हैं, जो नाम फाइनल किए गए हैं, जो पैनल तैयार किया गया है, कितने नाम उस लिस्ट में हैं? क्योंकि शॉर्टलिस्ट ये होनी है आगे, उसके बाद ही नाम डिक्लेयर हो पाएंगे। दिल्ली दौरे पर थे, सुबह जो है मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र जाते हैं, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम था लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है स्थगित होती है, और उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली वापस पहुंचते हुए जो है नजर आए। ऐसे में जो लगातार मैराथन मंथन चल रहा है टिकट वितरण को लेकर, उसमें जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो केंद्रीय मंत्री हैं हरियाणा की तरफ से वो टिकट नहीं लड़ेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे ऐसी जानकारी है। जो सांसद है वो जो है उनका नाम पैनल में नहीं है, इस प्रकार की जानकारी है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर एक सीट पर 3-3 नामों का जो पैनल है वो बनाया गया है, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर 3 से ज्यादा नामों का भी पैनल है, वो भी केंद्रीय आलाकमान के सामने रखा जाएगा। हालांकि हो सकता है कि उसको लेकर केंद्रीय आलाकमान ये कह दे कि आप एक बार फिर से रिवाइज कर जो है कहीं ना कहीं जो है आइए, लेकिन अभी जो मौजूदा विधायक है उनके नाम भी जो है पैनल में कहीं ना कहीं एक बार जो है तमाम विधायकों के दिए जाएंगे, ये जानकारी सूत्र हमें दे रही है। तो ऐसे में फाइनलाइज क्योंकि केंद्रीय आलाकमान करेगा, हरियाणा बीजेपी लगातार अपना जो मंथन है वो करती हुई नजर आ रही है, पैनल बना लिए गए हैं और कल मैराथन मंथन भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय आलाकमान करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।